हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। CDS 1 2020 के इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये पार्ट फैंटास्टिक 4 रहेगा। इससे पहले की 3 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके विज़िट करके आप ज़रूर देखिएगा। एक भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिस करना सही नहीं रहेगा। और विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। और सबसे पहली न्यूज़ है अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर। प्रोटोन कैंसर सेंटर क्या है? ये इंडिया का पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर है जो कि चेन्नई में खुला है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच यूजेस प्रोटोन रादर देन एक्स रेज। जनरली हम अभी देख रहे हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेज यूज़ होती है, लेकिन ये जो प्रोटोन थेरेपी सेंटर है वहाँ पे प्रोटोन्स यूज़ होंगे। इट इज़ साउथ एशियाज़ फर्स्ट सेंटर। ये भारत का ही नहीं लेकिन पूरे साउथ एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर सेंटर है जो कि चेन्नई में खुला है। ओके, और उसी के साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है, ब्रेग कर्व। ये ब्रेग कर्व क्या है? इट डिस्क्राइब्स एनर्जी लॉस ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन ड्यूरिंग द ट्रैवल थ्रू मैटर। जब हम प्रोटोन थेरेपी देते हैं, ये जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर एक आउटग्रोथ होता है सेल्स का जिसे हम कैंसर कहते हैं, उस ट्यूमर के ऊपर हम अगर प्रोटोन सेल के रेडिएशन को पास करें तो वो जो प्रोटोन की एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है टू दैट ट्यूमरस सेल्स। ठीक है, कैंसरस सेल्स को वो पास हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने में डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं हाई रेडिएटिंग पावर की वजह से, और उसको मॉनिटर किया जाता है बाय ब्रेग कर्व। ये न्यूज़ में अभी चल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। देन कम्स ट्रीटी ऑफ वर्सेलेल्स। ये हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इस साल इसकी 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी। ठीक है, ये हुआ था 28 जून 1919 को। तो हम जान लेते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या था। ये ट्रीटी थी बिटवीन जर्मनी एंड एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में क्या क्या आता है? फ्रांस, US और ब्रिटेन। ठीक है, दैट ब्रॉट वर्ल्ड वार वन टू एन एंड। हम जानते हैं 1919 में वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुआ था। ये इस ट्रीटी का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है, इसके आउटकम में आए थे वुड्रॉ विल्सन्स 14 पॉइंट्स। वुड्रॉ विल्सन थे US के प्रेसिडेंट तब। उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, और वो सारे कौन से सब्जेक्ट्स को डील करते हैं? तो वो डील कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लाइंस ऑफ एथनिसिटी, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी थ्रू ओवरऑल डिसआर्मामेंट। ठीक है, दीज वर सम मेजर प्रिंसिपल्स फॉरवर्डेड बाई एलाइड पावर्स एज वॉर एम्स। ठीक है, ये वुड्रो विल्सन याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था बिटवीन जर्मनी एंड एलाइड पावर, इसकी इस बार 100th एनिवर्सरी है। देन कम्स चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा इस बार इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल इम्पॉर्टेंस बाय ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो चौखंडी स्तूपा है क्या? ये एक पुरानी बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस ये माना जाता है कि इसको बनाया था एम्परर अशोका ने। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज़ में है तो ये हमें पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देन कम्स फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स कौन कौन से न्यूज़ में हैं अभी? फेस्टिवल्स या रादर हम मेला जो भी ऑर्गेनाइज होता है स्टेट्स का, तो वो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो अभी बना था अंबुबाची मेला आसाम में, मेला खीर भवानी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख सिंगवी खबाब सिंधु फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में, और चामलियाल मेला जो कि जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया था। And then comes एक important news, central government decided to extend president's rule in Jammu Kashmir for more 6 months.
अभी कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने की बात की थी जम्मू कश्मीर में, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। अंडर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के पास खुद का कोई नेशनल फ्लैग नहीं है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन ये उससे पहले की बात हो रही थी। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, अंडर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल गवर्नर्स रूल इज़ इम्पोज्ड इन स्टेट फॉर पीरियड ऑफ 6 months। ओके, डायरेक्ट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता, ठीक है। हम पहले देखें दूसरे स्टेट्स में, अगर आर्टिकल 356 की बात करें, प्रेसिडेंट्स रूल डायरेक्टली हर स्टेट में लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे पहले लगेगा गवर्नर रूल फॉर पीरियड ऑफ 6 months, और वो 6 months का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा एट एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ गवर्नर्स रूल, एंड इफ़ सस्पेंशन ऑफ असेंबली हैज़ नॉट बीन रिवोक्ड, देन जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल एज मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 था न्यूज़ में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार देख ले कि आर्टिकल 356 है क्या। तो आर्टिकल 356 है, इफ़ प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर फील्स दैट देर इज़ अ ग्रेव सिचुएशन इन द स्टेट, देन ही कैन बाई प्रोक्लेमेशन, क्या कर सकते हैं वो, एज्यूम हिमसेल्फ ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर शॉल बी एक्सरसाइजेबल बाई अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ओके, वो खुद भी सारे एज्यूम कर सकते हैं, सारे रूल्स, सारे वहाँ की अथॉरिटी, या तो वो पावर ऑफ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को भी पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, प्रेसिडेंट हैज़ नो राइट टू एज्यूम हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड और एक्सरसाइजेबल बाय हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जो भी पावर्स होते हैं उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन जो एक्सक्लूसिवनेस होती हैं उनको प्रेसिडेंट एज्यूम नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट ही कैन एज्यूम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। उनकी वैलिडिटी होती है 2 महीने की इफ़ इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिला है कोई भी हाउसेज का तो वैलिडिटी है 2 मंथ की, लेकिन इफ़ अप्रूव्ड बाय हाउसेस इट विल बी सीज टू ऑपरेट ऑन एक्सपिरेशन ऑफ 6 months, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी बुक में कॉन्स्टिट्यूशन एट योर फिंगर टिप्स में, ये एक बुक है जो डिफेंस मेनिया ने अभी अभी लॉन्च की है, आप इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो बुक पे जो कंप्लीट वीडियोस हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे पॉलिटीज़ का, वो हमने POP 2021 का बैच उसमें ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आपको वीडियोस भी चाहिए तो यू कैन एनरोल इन दैट बैच। फिर है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड दिस सस्पेंशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ इमरजेंसी, जबकि प्रेसिडेंट बाई फर्दर ऑर्डर कैन स्पेसिफाई अदर फंडामेंटल राइट्स दैट वोंट बी ऑपरेटिंग एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। पॉलिटी के वीडियोस में इन चीज़ों को डिटेल में बताया गया है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, हर चीज़ों को कनेक्ट करते हुए ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 356 एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 आर फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, एंड देन कम्स फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि FATF जिसको हम कहते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को इस फोर्स ने ग्रे लिस्ट कर दिया था, ठीक है, और न्यूज़ चल रही थी कि उनको बहुत जल्दी ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो हम जान लेते हैं ये है क्या, ये है एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जिसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके एम क्या है, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फिनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फिनेंशियल सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और सऊदी अरेबिया पहला अरब कंट्री है जिसको इसकी फुल मेंबरशिप मिली है,
और मार्शल आइलैंड्स था न्यूज़ में. क्यों? क्योंकि इंडिया ने मार्शल आइलैंड्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है अबाउट टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मार्शल आइलैंड्स कहाँ है. तो ये वर्ल्ड मैप है, ये एशिया, यहाँ पे चाइना, चाइना के लेफ्ट साइड, वेस्ट साइड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये है पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन में ओशियानिया है, उसका पार्ट है ये मार्शल आइलैंड्स. ठीक है, तो ये लोकेशन आप ज़रा याद रखिएगा, CDS में घुमा फिरा के पूछी जा सकती है. देन कम्स बिबेक डेब्रॉय कमिटी, ये रिलेट करती है विद बी कीपिंग डेवलपमेंट कमिटी रिपोर्ट. एंड देन कम्स वरुणास्त्र. वरुणास्त्र ये क्या है? वरुणास्त्र है इंडिजिनसली बिल्ट हैवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टर्पीडो. ये है एक टर्पीडो जो कि इंडिजिनसली मेड है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा. फिर है स्ट्रम अटाका. स्ट्रम अटाका क्या है? ये है एक एंटी टैंक मिसाइल, ये रशिया से हमने लिया है. एंड देन कम्स ऑपरेशन संकल्प. ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू रीअश्योर इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स ट्रांजिटिंग थ्रू स्ट्रैटेजिक शिपिंग लेन बिटवीन स्ट्रेट ऑफ होर्मूस, पर्शियन और अरेबियन गल्फ आर सेफ फॉलोइंग द रीसेंट मेरीटाइम इंसिडेंट्स इन रीजन. और वहाँ पे कौन से शिप्स डिप्लॉयड थे? INS इंडियन नेवल शिप चेन्नई और इंडियन नेवल शिप सुनाया. ठीक है, तो इतने सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हमने पढ़े ऑपरेशन संकल्प के अंदर. तो एक बार हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या हैं. ये है जूम इन फिगर ऑफ वर्ल्ड मैप, हम इसे मिडल ईस्ट कह सकते हैं. यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान दिख गया तो इसके ईस्ट साइड, और है इंडिया. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज न्यूज़ में है, ये यहाँ लाई करता है. ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, ये है ईरान, इसके बीच में. जबकि जो पर्शियन गल्फ है वो यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे. ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये हमने पढ़ा, यहाँ पे इंडियन नेवी की शिप्स चेन्नई और सुनाया डिप्लॉय की गई है अंडर ऑपरेशन संकल्प. तो आज का वीडियो सेशन यहीं ख़त्म होता है. आज हमने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए. होप यू लाइक इट. इस चीज़ को आप रिवाइज करते रहिएगा एंड डू प्रोवाइड फीडबैक ऑल्सो. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय.